हेलो गाइस, राम राम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। ओके, आज अपने घर पे आने वाले कोई मेहमान अपने भाई जी की गर्लफ्रेंड इनकी जो तैयार हुए फिर रहे हैं आज, इनकी मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मतलब ये पूरे प्यार से आप मतलब कुछ पता ही नहीं, कोई ठिकाना नहीं है खुशी का। तो देखते हैं, अभी हम जा रहे हैं उनको उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पे। वो आ रहे हैं इधर लैंड से, इनकी गर्लफ्रेंड। तो अभी हम हो चुके हैं तैयार उनको लेने जाने के लिए, बस हम निकल रहे हैं थोड़ी देर में, क्योंकि इस टाइम टाइम हो चुका है, सवा 12 हो चुकी है। और जो उनकी फ्लाइट का टाइम है 3 बजे वो लैंड होंगे। तो अभी हम दोनों ही जा रहे हैं लेने के लिए, तो दिखाते हैं आपको। तो गाइस, हम निकल चुके हैं अपना घर से, अभी हम जाएंगे यहाँ से कम्बोई में, उसके बाद बायसिप, उसके फिर मेट्रो। तो जैसा भी रहेगा हम बताते रहेंगे। बाकी जो एक भाई साथ में हैं दूसरे, उनको जाना है अपना गाँव पे रेस्टोरेंट में। तो अभी हम जा रहे हैं पैदल पैदल यहाँ से फिर कम्बोई में, उसके वजह से भी सफ़र रहेगा, आपको दिखाते रहेंगे पूरी वीडियो देखना। आज मिलाएंगे आपको गोरी मैडम से, नीदरलैंड की मैडम, अपने भाई जी की भाभी जी। ना किया पाजी उन्होंने, ना किया ना क्या नाम का फुलबाई। ठीक है, तो अभी मिलाएंगे उससे मैं आपको। अभी हम जा रहे हैं वहीं पे। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपना कम्बोई स्टेशन पे, और ये खड़े हैं अपने भाई जी गर्लफ्रेंड को हम लेने जा रहे हैं। बाकी वैसा भी ट्रेन कुंभ जाने वाली है थोड़ी देर में ही, लो आ ही गई है, कुंभ भी अपनी आ चुकी है। तो अब हम मिलते हैं कुंभ में बैठने के बाद, दिखाते हैं आपको सफ़र। अभी चलो चलो चलो। तो भाई, तुम बैठ चुके हैं अपना कम्बोई में, तो मिलते हैं आपको। आप सीधा शिप स्टेशन पे मिलते हैं अब उतरने के बाद। तो भाई, सब उतर चुके हैं अपना कम्बोई में से, और अब हम जा रहे हैं अपना शिप की तरफ। ऐसे हम जाएंगे शिप में, उसके बाद फिर मेट्रो, मतलब जाते भी जहाँ जहाँ भी जाएंगे आपको दिखाता रहूँगा। तो गाइस, हम बैठ चुके हैं अपना शिप में, और आप दिखाते हैं आपको शिप का सफ़र, और फिर मिलते हैं आपको शिप से उतरने के बाद। तब तक आप सफ़र के नज़ारे लीजिए। तो गाइस, हम उतर चुके हैं अपना शिप में से, अब हम जा रहे हैं अपना मेट्रो की तरफ। आगे हम आपको मिलते हैं मेट्रो में बैठ के, ठीक है, दिखाते हैं आपको उसका सफर भी। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपना मेट्रो स्टेशन के अंदर, तो बैठ के मिलते हैं आपको।
पिछली बार जो आन था चल जब मैं तेरा फोन करूँ मीठा लिया कुछ खाने का ले आऊंगा मीठा तो बड़ा ही है जिस टाइम अभी हम यहाँ पे खड़े हैं ये है अपना अलमेदा मेट्रो स्टेशन। ये मतलब कि बड़ा भी है और शानदार भी है, मतलब देखने में बहुत अच्छा लगता है यहाँ की, मतलब कि कलाकारियाँ अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब चित्रकारियाँ भी हैं, बहुत कुछ अंदर देखने के लिए इस मेट्रो स्टेशन के अंदर ही। चलो अब आपको दिखाते हैं, अब यहाँ से बाहर निकल के थोड़ा बाहर का नज़ारा भी देख लो मेट्रो के अंदर से। हम आ चुके हैं बाहर, अब देखिए आप बाहर का नज़ारा। अच्छा तेरी छुट्टी संडे की, छुट्टी एक भी नहीं है। आ चुका है अपना स्टॉप और हम उतर चुके हैं अपना मेट्रो में से। तो आपको लेके चलते हैं एयरपोर्ट पर, नज़ारा दिखाते हैं आपको। पहली साइड होगा गाइस, हम उतर चुके हैं अपना मेट्रो में से और अब हम जा रहे हैं अपना एयरपोर्ट की तरफ। जो हम स्टेशन पर उतरे एयरपोर्ट का ही है, मैंने अभी दिखाया था आपको। तो अभी हम जा रहे हैं पैदल पैदल मेरे भाई जी, तो दिखाता हूँ आपको एयरपोर्ट में अंदर जाके नहीं। टर्मिनल टू
अभी लेंगे भाई जी अपना यहाँ से बुके। मैंने ले लिया है अपना रोज, अब उनकी करते हैं वेट, तो जब वो आएंगे मिलवाते हैं आपसे। गाइस अभी हम बैठे हुए हैं और कर रहे हैं उनकी वेट, क्योंकि जो फ्लाइट है उनकी 5 मिनट ज़्यादा नहीं 5 मिनट ही लेट है, और जो टाइमिंग है उनकी फ़्लाइट का 3:15 का था, तो अब 3:20 हो चुका है, और हमारा जो यहाँ टाइमिंग हुआ अभी 2:30 बजे हैं, मतलब अभी आधा घंटा रह रहा है अभी, तो अभी हम कर रहे हैं वेट यहाँ पर। जब वो आते हैं और ये लिए भाई ने रोज उनके लिए, होगी भाई। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो, हम कभी से यहाँ खड़े होकर वेट कर रहे हैं, अभी तक फ्लाइट तो उनकी लैंड हो चुकी है,
बट लोग आ रहे हैं अभी, ये पता नहीं कितनी फैटी लैंड हो रही है और कितने लोग आ रहे हैं, तो देखते हैं करते हैं उनकी फिलहाल कर रहे हैं। वो फाइनली वो आ ही चुके हैं, सत्ता लगाई है, चलो मिलवाते हैं आपको, लेके चलते हैं उनके पास। तो गाइस हमने कर लिया है भाई की गर्लफ्रेंड को पिकअप, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही था, अब वो आ रहे हैं पीछे पीछे। अभी हम जाएंगे देखते हैं, पहले सीधा घर जाएंगे या कहीं घूमने फिरने खाने पीने के लिए जाएंगे कहीं, जो भी होगा बताएंगे आपको, दिखाता रहूँगा, बने रहना वीडियो में। ये दोनों कर रहे हैं अपनी बातें, तो गाइस अब हम जा रहे हैं अपना मेट्रो की तरफ, और वो पीछे पीछे आ रहे हैं। कहाँ रह गए, बहुत दूर रह गए, वो पीछे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं पीछे पीछे। तो अभी हम जा रहे हैं मेट्रो में, मेट्रो भी आ चुकी है। तो गाइस अब हम उतर चुके हैं अपना मेट्रो में से, और हम उतरे हैं ओरिएंटे। अब मैं यहाँ से जाऊँगा बाय बस, और ये तो मैं अपना यहीं घूम घूम फिर के अपना रात को फिर आएंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ इनका बैग लेके ओरिएंट से, यहाँ से बस जाएगी सीधा अपने घर के पास ही, तो उसी बस में जाऊँगा, तो वो भी दिखाऊँगा आपको। तो गाइस अब मैं लग चुका हूँ यहाँ लाइन में, बहुत लंबी लाइन है, उधर खड़ी है अपनी बस, ये सारी लाइन उसी की है, दूर तक लेट हो गया मैं भी थोड़ा सा, क्योंकि 4:15 पे बस है ये, तो देखते हैं अभी, एक 4:30 पे भी है, अभी जगह मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो 4:30 पे जाएंगे। तो कह गए अभी मिलते हैं आपको अंदर बैठ के ना, बस के अंदर बैठ के मिलते हैं आपको, बताते हैं आपको कैसा रहा कैसा नहीं अभी तक का सफ़र, उनको मैंने किस लिए छोड़ा क्यों नहीं वो सब बताऊँगा आपको। तो गाइस मैं लगा हूँ अभी लाइन में, लेकिन बस जो है वो जा चुकी है, क्योंकि इसमें फुल हो चुकी थी, और अभी इस बस पूरे 15 मिनट में तो अभी आएगी, वो दिखाऊंगा आपको, उसमें जाएंगे आराम से बैठ के, क्योंकि उसमें सीटें बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, मतलब बंदे ज़्यादा हो चुके थे, इसे वो पूरी फुल हो चुकी थी, इसे वो चली गई है। बाकी अभी भी लाइन में देखो अभी तक कहाँ खड़ा हूँ मैं, ये दूर तक वहाँ तक लाइन ही है यहाँ तक, तो मिलता हूँ आपको बाद में बस में बैठने के बाद, जब बस आएगी फिर दिखाता हूँ आपको। तो गाइस अपनी बस जो है वो आ चुकी है, अभी लोग इसमें उतर रहे हैं, तो अभी हम इसमें चढ़ेंगे, तो जब हम चढ़ेंगे तब बताता हूँ मैं आपको, दिखाऊंगा, जस्ट अभी आई है बस ना। तो गाइस मैं बैठ चुका हूँ अपना बस में, अपने से बैठे हैं आंटी जी, बैठे आंटी जी, और बस अभी चलने वाली है बस, तो मुझे यहाँ से लगेंगे घर तक पहुँचने में पूरा 1 घंटा, मतलब ऐसे लगाती है बस पूरे 45 मिनट, कई बार रोड पे रस होने के कारण थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए अब मैं आपको दिखाऊंगा सफ़र, ठीक है। बाकी आपने ये पुल देखा ही होगा, उसी पुल से जाएंगे जैसे मैं एक बार पहले आया था, एक बार सामान देने के लिए,
और एक बार मैं और मेरे भाई आए थे ओरिएंट घूमने के लिए, ठीक है भाई बस ही आए थे सामान वगैरह लेने के लिए। तो अभी अब हम जा रहे हैं यहाँ से, निकलते हैं तो दिखाता हूँ आपको सफ़र। तब तक के लिए अपना आंटी जी को राम राम। तो हम निकल चुके हैं अपना यहाँ से ओरिएंट से, एक डी एम फ्लिक्स बस ये जाती हैं मतलब आउट ऑफ कंट्री लाइक पुर्तगाल से किसी कंट्री, स्पेन वगैरह, इटली, फ्रांस, जर्मन। बाकी मौसम भी बढ़िया हो रखा है, धूप नहीं है और ना ही बारिश है, बहुत जर्मन मौसम हो रखा है। तो गाइस मैं उतर चुका हूँ अपना बस में से, बस पीछे खड़ी है अभी सॉरी, और मैं उनका जो बैग वो मैं लेके आ चुका हूँ, दोनों को छोड़ के आ चुका हूँ अकेले को, कि थोड़ा अपना घूम फिर के आराम से आ जाएंगे। अब मैं आ चुका हूँ अपना घर पे, बाकी मेरे साथ भी उनसे बात हुई थी, हाय हेलो जो भी होती हैं नॉर्मल सी जो बातें होती हैं, ठीक है। तो फिर मुझे भी लगा कि उन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो स्पेशल जैसे घूमने के लिए आए हैं, तो अगर उनको टाइम ही नहीं मिला घूमने का तो क्या फ़ायदा।
आएगा, तो इसलिए मैंने उनको अकेला छोड़ दिया कि तुम दोनों जाओ अपना घूमो और मैं अपना घर की तरफ जा रहा हूँ। तो उन्होंने अपना जो भी सामान बैग में से निकाल लिया और बक्की बैग में ले आया उनका। तो अब आज के लिए अपना इतना ही था, तो अब मिलते हैं अब किसी नई वीडियो में, दिखाते हैं आपको और भी बहुत कुछ, क्योंकि बाकी 3-4 दिन के लिए आए हैं वो, रहेंगे अपने साथ ही। तो अगर कुछ हुआ मतलब उनके साथ, अगर हम कहीं मैं भी कहीं घूमने गया एक दो दिन में, तो वो भी दिखाऊंगा। अगर नहीं गए तो घर पे अपना नॉर्मली, या वो दोनों ही जाएंगे। तो मिलते हैं आप किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राम राम सभी को।